हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू ट्रेडर HR। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने एनालिसिस किया और कैसे हमने ट्रेड बनाया या फिर कैसे हमने लॉस मार्केट की। और ये मेरी कुछ वीडियोस हैं, इनको देख सकते हो और आप सीख सकते हो। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अब ये हमारा टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी लॉस होते हैं वो अपने टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। तो यहाँ से आप लॉस को मार्क करना सीख सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने लेवल्स को मार्क किया। तो अपने चार्ट पर चलते हैं हम। ये हम अब इसको 30 मिनट का चार्ट करेंगे। और मैंने कल क्या बताया था आपको कि दो एक्सपायरी इकट्ठी है, तो क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो आज सेम वही वर्क हुआ, हमने आज कुछ ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था। और ये पता कैसे चलता है, ये आपको लेवल्स के द्वारा ही पता चलता है और कुछ एक्सपीरियंस से पता चलता है कि मार्केट में क्या हो सकता है कल के। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कल साइडवेज हो सकती है, सेम वैसे ही मार्केट में हुआ। कल मार्केट से मतलब आज मार्केट साइडवेज रहा, और उसका रीज़न भी ये था क्योंकि मार्केट में दो एक्सपायरी थी और लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी है तो प्रॉफिट बड़ा कर लें, इसलिए मार्केट में वो ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। तो मार्केट क्या करती है, इस दिन साइडवेज हो जाती है। तो कारण यही था कि मार्केट में आज साइडवेज हुआ था, पर फिर भी हमने एक ट्रेड यहाँ पर बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड बनाए हुए हैं और मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड किए हैं, जाके आप देख सकते हो टेलीग्राम पे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो हमारा कॉल साइड का था, और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस पर आया तो हमने उसको एग्जिट कर दिया। इसमें जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, अभी हम मार्क करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था कॉल साइड था, और जैसे ही ये कैंडल हमारे रेजिस्टेंस पर आया हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और मैंने ये चीज़ वहाँ पर भी सेंड किया था टेलीग्राम पर, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं था, उसके बाद मार्केट साइडवेज थी। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे हम यहाँ पे ट्रेड कर सके, तो इसलिए मार्केट साइडवेज। अब क्या हो सकता है, मार्केट कल के दिन अगर ये जो रेजिस्टेंस है इस पर रिटेस्ट करता है तो ऊपर जा सकता है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक जा सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो जो सा जो नीचे सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, वरना बीच में मार्केट साइडवेज कल भी रह सक ओ परसों भी मार्केट साइडवेज रह सकती है। जैसे मार्केट में ये चार्ट बनाया ऐसे सेम मार्केट कर सकती है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, और बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे कैसे हमने एनालिसिस की थी, क्योंकि चार्ट दोनों ही मतलब दोनों ही इंडेक्स साइडवेज थे, और मैंने दोनों ही इंडेक्स को साइडवेज बोला भी था कि ये साइडवेज रह सकती है मार्केट। तो वही इसमें भी हुआ, ये मार्केट भी साइडवेज थी, इसमें भी हमारी एक ही ट्रेड बनी, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही ट्रेड आज बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो साइडवेज था, और वही साइडवेज रहा। और ये साइडवेज का कारण भी आपको बता दिया कि मार्केट में साइडवेज हुआ क्यों है मार्केट, क्योंकि मार्केट में दो एक्सपायरी हैं। लोग समझते हैं कि आज ज़्यादा पैसा बनाएंगे तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनको फंसा देते हैं। तो कारण यही था कि मार्केट में यहाँ पे ये साइडवेज हुआ था। इसमें हमारा जैसे ही हमारे स्पोर्ट पे आया तो हमने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया, और कुछ नहीं, स्कैल्पिंग में ही हमने अपना टारगेट हिट किया। उसके बाद मार्केट में जो देख सकते हो आप, ये कुछ नहीं था, उसके बाद साइडवेज था। अगर इसको तोड़ता तो यहाँ से नीचे जा सकता था मार्केट, और अगर इसे रिटेस्ट करता तो मार्केट यहाँ से जो सा ऊपर रिस्टेंस है उसको रिटेस्ट करके और ऊपर तक यहाँ से जा सकता था मार्केट। इस तरह से ये मार्केट काम करता, पर आज मार्केट साइडवेज हो गया, तो इसमें कोई भी काम नहीं था। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये मेरा टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।